बाहर कर लेता हूँ, ठीक है। रियल अकाउंट पे अकाउंट होते हैं जिनका रिलेशन रहता है और जिसके साथ होता है। नॉमिनल अकाउंट पे अकाउंट होता है जिसका रिलेशन एक्सपेंस है और प्रॉफिट है इनकम से होता है, तो जिसका अकाउंट है पर्सनल अकाउंट और इसका रिलेशन जिसके साथ होगा उसका रिलेशन होगा पर्सन के साथ। और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव, अभी रिप्रेजेंटेटिव क्या है तो देखते हैं। पहले तो समझो पर्सन का मतलब क्या होगा, क्या होगा क्या बिजनेस में किसी लोगों के साथ ट्रांजेक्शन करते हो, बिजनेस में लोगों के साथ ट्रांजेक्शन करते नहीं करते, ट्रांजेक्शन हमेशा लोगों के साथ ही होते हैं, लेन देन जो हम करते हैं राम श्याम घनश्याम उनके साथ में। अगर आपने ये ट्रांजेक्शन उधार में करे, ठीक है, जैसे आपने अभी तक सुना होगा लास्ट मंथ एक एंट्री करी थी मंथली अकाउंट में भी, ठीक है, और टू कैश अकाउंट, कोई बताएगा इसमें क्या हुआ है, हमारे पास मशीन आए और हमारे यहाँ से कैश आ गया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर पार्टी का नाम नहीं लिखा, क्या मैंने पार्टी का, जबकि बताओ क्या यहाँ पर इतने इतने पार्टी से तो हमने बदलती नहीं होगा, ये मशीन हमने जितने जितने आगे से बदलती होगी राम श्याम घनश्याम किसी तो खरीदा होगा, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा मैंने उसका नाम, क्योंकि ये कैश का ट्रांजेक्शन है, मैं उसको कैश दे रहा हूँ और फिर मैं उससे मशीन ले रहा हूँ। अगर यही मैं उससे उधार में मशीन खरीदता हूँ, देखिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, मैंने कहा मशीन पर के देने वाले
को प्रेरित। हम जब भी किसी भी पार्टी के साथ मेंटेन करते हैं, राजनीति करते हैं, तो हमें तो याद रखना वो जो पार्टी है ना वो या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा, यानी वो या तो मुझे कुछ देने वाला होगा या मुझसे कुछ लेने वाला होगा, इसके अलावा कुछ कोई नहीं। जब भी आप किसी भी पार्टी से राजनीति करते हैं, ठीक है, इस राजनीति को ध्यान रखें। मैंने राम से मछली परचेज करी तो राम ने मुझे मछली दी, तो राम कौन हो गया? देने वाला गिवर। ओके गिवर। और यह रूल क्या कहता है वो जानते हैं, गिवर को क्रेडिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। इसलिए मैंने राम को क्रेडिट राम को क्रेडिट किया। कोई नहीं कहता ना ये रुपया उठा रुपये दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं आप? अपना केस पे टके रहो। मैंने आपको एक मार्कर चेंज कर दिया, मैं आपको 20 रुपए मार्कर दे रहा हूँ, आपने कहा दे तो दो पैसे नहीं है, ठीक है? तो जब मेरे पास केस है तो आप केस को इन्वॉल्व भी क्यों करते? चार दिन बाद आप मुझे केस दोगे? दोनों हो रही है, वो तो क्या दोनों हो भी रही है। मछली तो आई मेरे पास में, लेकिन मेरे पास केस नहीं भी। अब केस सपोज कीजिए चार दिन बाद जब मैं केस पे करूँगा इसको, राम को राम उसे पैसे मांगता है, मछली परचेज की है, जब मैं इसे केस पे करूँगा ना तो मैं वो एंट्री करूँगा। यानी हर एक चीज की एंट्री करनी है, वो भी तो ट्रांजेक्शन है। आज परचेज किया, अगर आप आज ही सोच लो नहीं तो फ्यूचर में देखिए तो आपने तो ट्रांजेक्शन आज ही खत्म कर दिया, तो फ्यूचर में क्या करोगे? तो अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो केस को इन्वॉल्व ही मत करना, केस को उठा कर रखते ना, ठीक है? क्या कहता है उसको वापस बताओ, डेबिट द रिसीवर, जो पाने वाला होता है उसको डेबिट करो, क्रेडिट द गिवर और गिवर को क्रेडिट करो। तो हमें अब क्या सोचना है, अगर तुम्हें एनालिसिस करो ठीक है, तो देखो मैं क्या बोलूंगा, इसमें दो साइड कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो मछली उसका मैंने कहा था उधार का लेन देन आगे पार्टी का नाम आ जाए, ठीक है, दोनों के नाम से अकाउंट खोल दो। मशीन क्या होती है? एसेट से रिलेटेड अकाउंट, ये अकाउंट है। राम कौन है? राम पर्सन है, और पर्सन से रिलेटेड अकाउंट रियल अकाउंट का क्या कहता है? कम कम मशीन आ रही है, जा रही है, कम यानी कि आई, इससे क्या करो डेबिट करेंगे। मैंने कहा राम कौन है? पर्सन। पर्सनल से रिलेटेड अकाउंट पर्सनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हमें क्या सोचना है कि राम रिसीवर है या गिवर है? अब बताओ राम ने हमें कोई चीज दी है वो तो गिवर हो गया। कई बार हम पता क्या सोचने बैठ जाते हैं, मैं रिसीवर हूं ना। हमें अपना कभी खुद का सोचना ही, मैं जिस पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ हमें तो पार्टी का सोचना है, जो पार्टी रिसीवर है या गिवर है। कई बार लोग कहते हैं अभी तो रिसीवर है, तुमसे अपना नाम लिख देना चाहिए, डेबिट कर देना चाहिए, अपना सोचना ही है। मैं ट्रांजेक्शन राम के साथ कराऊं या अपने साथ कराऊं? राम के साथ करें तो राम का नाम आएगा, ठीक है? तो अब बताओ राम कौन है? गिवर है, उसने मुझे मशीन दी है, इसलिए हमने कहा गिवर ऑलवेज ड्यूटी क्रेडिटेड। गिवर को क्या करो? क्रेडिट करो। इसलिए हमारी एंट्री क्या हो गई? मशीन आई, मशीन ने काम कर दी, राम ने दी तो राम के काम, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं आता इसको यहाँ पर उतारे थे कैश वाले को मत लिखना, आपको किस दिए था क्या? मुझे आपसे एडवाइस लेनी पड़ेगी एक्चुअल में। अब देखो ये तो था, अच्छा क्या हर बार ही पार्टी का नाम आएगा कि सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम आएगा? हर बार पार्टी का नाम आएगा क्या? नहीं, कैश में हुआ तो कैश लिखना अपने को, पार्टी का नाम उस कैश में नहीं आएगा। तो अब देखो रूल लिखा हुआ है, एक और एग्जांपल देखते हैं, अब की बार आप बताएंगे। फर्नीचर सोल्ड टू विवेक ऑन क्रेडिट 10,000। 10,000 का कोई फर्नीचर था जो मैंने सेल कर दिया किसको? विवेक को, ऑन क्रेडिट, उधार में। बताओ दो अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट होंगे? फर्नीचर और विवेक। यहाँ कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है? तो हमने कहा एक तो फर्नीचर का अकाउंट
एक तो आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट और दूसरा विवेक से अकाउंट। जब भी किसी पार्टी के नाम के आगे आप अकाउंट लगाते हो ना, तो ध्यान रखना एस लगाना है कोमा लगाकर। इसका मतलब क्या होता है, विवेक अकाउंट मतलब विवेक का खाता, ठीक है। अब बताओ फर्नीचर क्या है, एसेट। तो एसेट से रिलेटेड अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट। विवेक कौन है, पर्सन। पर्सन है इसलिए पर्सन से रिलेटेड अकाउंट पर्सनल अकाउंट, ठीक है। फिर हमने कहा रूल अप्लाई करो, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, थिंग्स कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। बताओ फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है कि जा रहा है। वापस देखो, इतना बड़ा बड़ा मैंने सोल्ड लिखा है, सेल मतलब बेचा हमने, ठीक है, गोज आउट, तो हमेशा धुन में ही नहीं चलना, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, समझे भाई। हाँ, गोज आउट, गोज आउट यानी कि क्रेडिट करना है। अब बताओ विवेक जो है वो है पर्सन, पर्सन से रिलेटेड अकाउंट पर्सनल अकाउंट होते हैं, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बताओ ये जो विवेक है वो रिसीवर है या गिवर है, रिसीवर। इस बार वो रिसीव कर रहा है, मैं उसे फर्नीचर दे रहा हूं तो वो रिसीव करेगा ना, तो वो क्या हो गया, रिसीवर, समझ गए। और रिसीवर ऑलवेज विल बी डेबिटेड, बन गई जनरल एंट्री। तो हमेशा ये याद रखना कि इधर डेबिट वाली चीज नहीं लिखनी होती अपने को, सिर्फ दोनों साइड लिख दो, ठीक है। क्योंकि अगर आपको यही पता चल जाए अगर ये डेबिट होगा तो मैं माथापुड़ी क्यों करूंगा, जब मुझे पहले ही पता है डेबिट हो रहा है तो मैं माथापुड़ी क्यों करूंगा, मैं सीधा एंट्री नहीं कर दूं। तो क्या एंट्री होगी, देखो विवेक अकाउंट डेबिट, टू में क्या जाएगा, टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 10,000। लिखो मत अभी, एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं, प्लांट सोल्ड टू एक्स। ये एक्स कौन है, कोई पार्टी है। अब हर बार नाम नहीं लिखेंगे, एक्स वाई जेड कर कहीं आ जाए तो पार्टी है। क्या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन उधार का लेन देन है क्या, क्यों नहीं है लिखा ही नहीं। ये भी कहां लिखा, कैश है। अब सुनना अच्छे से, मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा, जब भी क्वेश्चन के अंदर हमें पार्टी का नाम लिख दे, क्या लिख दे, पार्टी का नाम, और कहीं पर भी ये नहीं बोले कि कैश में है या नहीं है, तो हम उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे, उधार का लेन देन। ऐसे चीजें ऐसे समझनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, मैं सिर्फ लिख देता प्लांट सोल्ड ओनली, तो क्या मानते, कैश में सेल हुआ है क्या। वहां कभी देखते थे कि सर यहाँ कैश लिखा हुआ तो नहीं है, याद है एंट्री कि भूल गए, प्लांट सोल्ड। जब कुछ नहीं लिखे तो कैश है, जब पार्टी का नाम लिख दे तो दिमाग जाना चाहिए कि क्रेडिट भी हो सकता है। अब देखो कि क्या ये क्रेडिट है या नहीं है, हमने कहा कहीं कैश लिखा क्या, नहीं, पार्टी का नाम है लेकिन कैश कहीं नहीं लिखा, मतलब भी उधार का ही लेन देन है, याद रहेगा पॉइंट। अब बताओ दो अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो आएगा प्लांट, तो प्लांट का अकाउंट, दूसरा एक्स, तो एक्स का अकाउंट। हमने कहा प्लांट क्या होती है, एसेट, एसेट से रिलेटेड अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं। एक्स जो है वो कौन है, पर्सन, कोई व्यक्ति है, उससे रिलेटेड पर्सनल अकाउंट। कई बार बच्चे कहते सर एक्स कैसे व्यक्ति हो गया, अब हर बार जरूर थोड़ी नाम याद आए, तो अभी में बांट दो, सोल्ड मीन्स बेचा, ठीक है। अब बताओ प्लांट एसेट्स होती है, एसेट से रिलेटेड अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, थिंग्स कम्स इन डेबिट, जो वस्तु व्यवसाय में आए उसे डेबिट करो और जो जाए उसे, बस। बताओ प्लांट आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, बेचा हमने, सेल किया, गोज आउट, गोज आउट हिंदी में भी लिख देता हूं, गया, ठीक है। डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट चीज आती तो डेबिट होती ना, जा रही है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है। तो हर बार इधर डेबिट की चीजें नहीं आती, फिर कह रहा हूं हमें सिर्फ एनालिसिस करना है कि दो साइड कौन कौन से इफेक्ट हो रही है, वो पता होना चाहिए। मैंने कहा एक्स कौन है, पर्सन, पर्सन से रिलेटेड अकाउंट पर्सनल अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, बेटे बेटे बोलो,
रिसीवर को डेबिट करो, गिवर को क्रेडिट करो। हमें सिर्फ ये देखना है एक्स रिसीवर है कि गिवर है, बताओ रिसीवर या गिवर? रिसीवर। मैंने सेल किया उसे तो वो रिसीव करेगा, रिसीवर हो गया। रिसीवर ऑलवेज विल बी क्रेडिट, निकम्मो डेबिट। रिसीवर ऑलवेज विल बी डेबिटेड, रिसीवर ऑलवेज विल बी डेबिटेड। अब मुझे लगता है छोटे बच्चे नहीं होते हैं जैसे, हाँ बेटा ए फॉर एप्पल। बताओ क्या डेबिट होगा? एक्स, एक्स अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिख दूंगा? टू प्लांट अकाउंट, क्रेडिट नहीं लिखते कभी इसके लिए, सिर्फ टू लिख देते हैं। चलो फटाफट करो अब इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। कराऊं नहीं कराऊं? देखो अब चार एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, सिर्फ चार मात्र, ठीक है, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। फर्स्ट, अच्छा एक चीज थोड़ा और इसमें भी आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको है ना यहाँ पर तीन ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कैश का है कि क्रेडिट का है कि कुछ नहीं है। हाँ, बिल्डिंग परचेज 10,000, वन ट्रांजेक्शन। बिल्डिंग परचेज फ्रॉम राम 10,000। बिल्डिंग परचेज फ्रॉम राम 10,000 इन कैश। ट्रांजेक्शन करने एंट्रीज करनी है पहले तो ये बताओ ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या नहीं है तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए क्या पार्टी का नाम दिया, ठीक है। जब कुछ नहीं कहे तो कैश का ट्रांजेक्शन होता है। सिर्फ इतना बोला है हमने बिल्डिंग खरीदी तो हमें मानना पैसे दिए होंगे इसके बदले में, कोई पार्टी का नाम दिया क्या किससे खरीदी, तो खाता किसका खोलोगे, समझ पा रहे हो? तो हमने कहा बिल्डिंग परचेज करी 10,000 की। अब अगर कोई बोले दो अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, तो हमने कहा एक तो बिल्डिंग और दूसरा कैश, समझ पा रहे हो? यहां पर बताओ जरा कैश की क्रेडिट, क्रेडिट की कैश, क्रेडिट। पार्टी का नाम आ गया लेकिन कहीं पर भी ये नहीं बोला कि कैश आ रही है या जा रही है, या हमने इसको कैश पेमेंट किया या नहीं किया, ठीक है। तो जब सिर्फ पार्टी का नाम लिखा हुआ है तो वो हमेशा क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। बताओ अब इसमें दो अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं? बिल्डिंग और राम, ठीक है, दोनों के नाम से अकाउंट खोल देते हैं। ये बताओ कैश या क्रेडिट? कैश, पार्टी का नाम भी तो है, पार्टी का नाम भले ही हो लेकिन उसके साथ अगर कैश आ जाए तो वो कैश का ट्रांजेक्शन होगा। तो यहाँ पार्टी का नाम लिखूंगा क्या मैं अपने बुक्स में? नो, मैं लिखूंगा यहाँ कैश, समझ पा रहे हो? तो बिल्डिंग अकाउंट और यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है। अब देखते हैं डेबिट और क्रेडिट क्या करना है, ठीक है। पहले तो बताओ बिल्डिंग परचेज करी, बिल्डिंग कौन सा अकाउंट होती है? एसेट्स अकाउंट, रियल अकाउंट, एसेट्स मीन्स रियल अकाउंट। कैश क्या है? एसेट्स है, एसेट से रिलेटेड अकाउंट रियल अकाउंट। क्या कहता है रियल अकाउंट का रूल? रूल बताओ, रूल यानी क्या डेबिट करते हैं क्या क्रेडिट करते हैं, चीज आती है तो क्या करते हैं, जाती है तो यही तो रूल है। द थिंग्स विच कम्स इन बिजनेस विल बी डेबिटेड, जो चीज बिजनेस में आ रही है उसे डेबिट करो और जो चीज जा रही है उसे क्रेडिट करो। बिल्डिंग आ रही है जा रही है? आ रही है, खरीदा है हमने, परचेज किया तो आएगी ना। कम्स इन, कम्स इन यानी आई, तो क्या करो? डेबिट। फिर मैंने कहा कैश आ रही है कि जा रही है? जा रही है। बिल्डिंग खरीदूंगा तो पैसा देना पड़ेगा ना, कैश पे किया, कैश गोज आउट, गई क्रेडिट, एंट्री बन गई। क्या एंट्री बनी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट अमाउंट कितना आएगा 10,000। कितनी इजी एंट्री है बताओ। इस वाली में बिल्डिंग क्या है, एसेट्स, एसेट से रिलेटेड अकाउंट रियल, राम क्या है पर्सन, और पर्सन से रिलेटेड अकाउंट पर्सनल अकाउंट। अब बताइए रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, शॉर्ट में याद रख सकते हो कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। बताओ बिल्डिंग आ रही है कि जा रही है, आ रही है, कम्स इन, कम्स इन यानी कि आई, तो क्या करो डेबिट। राम पर्सनल होता है, पर्सन से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभी अभी पढ़ा हमने, ये लिखा हुआ भी इतना बड़ा बड़ा, तो बताओ राम रिसीवर है या गिवर है, गिवर है, उसने मुझे मशीन सॉरी बिल्डिंग दी है, उसने मुझे बिल्डिंग दी तो वो गिवर हो गया, एंड गिवर ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड, देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला क्रेडिट हो गया, एंट्री हो गई। बताओ क्या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट 10,000। सर सारी एंट्री आप ही कराओगे क्या, ये तो हम करेंगे, ठीक है बेटा ये आपका होमवर्क छापो पहले वाले।